फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑफिशियल 2। मैं इस समय बुंदेलखंड के झांसी शहर में हूं और मैं आपको आज यात्रा कराने वाला हूं हिस्टोरिकल सिटी वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो के बारे में। दोस्तों, खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है और छतरपुर जिले का एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ रहे और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको हमारे मिल जाएं। ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये बरसों पुरानी खजुराहो की शिल्प कला हस्तकला है जो कि यहाँ के मंदिरों पे ये उस समय के कारीगरों द्वारा छेनी और हथौड़ा के द्वारा उकेरी गई है। ये बहुत ही कठिन काम है जो वर्षों पहले हमारे कारीगरों ने कर लिया, वो आज हम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, हमारे पीछे बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं खजुराहो इस समय पहुंच गया हूं, और ये जो हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं ये लक्ष्मणा मंदिर है। तो दोस्तों, खजुराहो आने के लिए मैं थोड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए गाइड कर देता हूं आपको कि खजुराहो में रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है और यहाँ पर अपनी कार और टैक्सी से भी आया जा सकता है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं यहाँ शाम को पहुँच गया था लेकिन शाम को सूर्यास्त होते ही ये मंदिर बंद हो जाते हैं, यानी कि खुलने का समय सूर्योदय है, सुबह जैसे सूर्योदय होता है और बंद होने का जो टाइमिंग है वो सूर्यास्त तक है। आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन से आ सकते हैं, आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और अपनी कार या टैक्सी करके भी खजुराहो पहुँचा जा सकता है। दिल्ली से जो खजुराहो का डिस्टेंस है वो करीबन 670 किलोमीटर है, यानी कि ड्राइव करते करते आपको 12 घंटे दिल्ली टू खजुराहो लगते हैं। तो वही गेट से एंट्री करके मैं इस समय आ गया हूँ मंदिर के अंदर, यानी जो मंदिर प्रांगण है उसके अंदर आ गया हूँ। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो 35 रुपीज़ का टिकट है जो कि आपको ऑनलाइन स्कैन करके निकालना होगा, वो आप गूगल से स्कैन करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, टिकट लेके ही अंदर आना। एंट्री करते ही सबसे पहला जो मंदिर हमारे सामने था, विशाल मंदिर, वो था लक्ष्मण मंदिर। ये जो आप सामने देख रहे हैं मेरे पीछे, ये लक्ष्मण मंदिर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का मंदिर है तो दोस्तों आप गलत हैं, ये लक्ष्मण जी का मंदिर नहीं है। ये चंदेल वंश के यशस्वी शासक लक्ष्मण वर्मन द्वारा बनाया गया विष्णु भगवान का मंदिर है। इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति है, कह सकते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे और देखते हैं चल के इसकी बाहरी दीवारों पर जो नक्काशी है। तो दोस्तों, ये देखिए ठीक सामने लक्ष्मण मंदिर है और ये अभी से लगभग 1200 वर्ष पुराना है। आप कल्पना करिए कि उस समय जो हमारी कला शैली थी हिंदुस्तान की वो कितनी आगे थी। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यानी कि पहला मंडप है। ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से बना है। फ्रेंड्स, ये मूर्ति को देखिए, ये दीवाल की बाहरी सतह पे लक्ष्मण मंदिर में स्थापित है गणेश जी की मूर्ति है और गणेश भगवान इस मूर्ति में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब डांसिंग मुद्रा में गणेश भगवान हैं। देखिए, इस मूर्ति को भी आक्रांताओं ने खंडित किया है, आपको दिख रहा होगा टूटा हुआ सूंड और कुछ टूटे हुए हिस्से। इसमें बगल में देखिए आप, जो गणेश भगवान के लोग गाना बजाना कर रहे हैं, बीच में चूहा है। तो गणेश भगवान इस तरीके से डांसिंग मुद्रा में हैं, कहा जाता है कि डांसिंग मुद्रा में गणेश बहुत शुभ होते हैं। इसके निचले सतह पे अगर आप देखेंगे तो हाथियों को उकेरा गया है, मतलब कि कलाकारी करके ये हाथियों को उकेरा गया है। दोस्तों देखिए, हाथी जो होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, यानी कि हिंदू धर्म में
हाथियों को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। दूसरा एक पहलू ये भी है कि आज से 1200 वर्ष पहले ये जो पत्थर ढुलाई का काम ये हाथियों द्वारा ही होता था दोस्तों, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी, ना ही ट्रक थे, ना ही बड़े बड़े वाहन थे, ना रेलवे का था, तो इसलिए ये हाथियों द्वारा ही पत्थर इसमें जो मंदिर में यूज हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल शिलाएँ हैं, तो ये हाथियों द्वारा ही लाई जाती थी। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, और ये आप देखिए और आप कल्पना करिए कि कितनी अद्भुत कला शैली का ये नमूना है जो कि मंदिर में आप देख सकते हैं बाहरी दीवारों पर। इन दीवारों पे कुछ आप देख सकते हैं कि संभोग की मुद्रा भी दर्शाई गई है, जैसे कि आलिंगन, चुम्बन और सेक्स का बोर्ड रूप भी दिखाया गया है। इसका एक पहलू है, इसका पहलू ये है दोस्तों, कहा जाता है कि आज से 1200 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था, तो यहाँ के राजा जो चंदेल वंशज राजा थे, उन्होंने मंदिरों में लोगों का आकर्षण बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पर अपने धर्म के प्रति जागरूक हों। दूसरा पहलू ये भी है कि संभोग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, तो एक पहलू ये भी है। मंदिरों की आप बाहरी दीवारों पर देखेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको मूर्तियाँ मिल जाएंगी। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों में अद्भुत कला का अविश्वसनीय नमूना देखने को मिलता है। मेरे पास शब्द नहीं है बताने को, आपकी नज़र नहीं हटेगी यहाँ पे, आप एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि वर्षों पहले, आज से 1200 वर्ष पहले बड़ी बड़ी शिलाओं पे, बड़ी बड़ी पत्थरों पे जितनी भी नक्काशी है, सारा का सारा हाथ का काम किया गया है। दोस्तों आज के समय में अगर कहा जाए तो ये संभव नहीं है। अगर आपको इसको समझना है तो आपको एक बार खजुराहो जरूर आना पड़ेगा। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं, और एक भारतीय भारतीय होने के नाते आपको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी धरोहर उपलब्ध है जो आज भी विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से लोग खजुराहो देखने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर विदेशी मेहमान आते हैं। हमारा धर्म वर्षों पुराना है, हिंदू धर्म वर्षों पुराना है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी का मंदिर है। 10वीं शताब्दी में चंदेल वंशज यहाँ पर राज किया करते थे। 300 वर्ष उन्होंने राज किया यहाँ पे खजुराहो में, और 200 वर्ष मंदिर बनाने में लग गए। दोस्तों ये जो मंदिर कोई एक दिन में बनके तैयार नहीं हुए, इतनी अद्भुत कला का जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, इसमें दोस्तों वर्षों लग गए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, अगर आपको मौका मिलता है तो खजुराहो आना बिल्कुल ना भूलें। खजुराहो एक बार ज़रूर विजिट करें, अगर एक बार आप आएंगे तो आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। अब भाई मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस शहर का नाम खजुराहो क्यों पड़ा।
तो इसका खजुराहो नाम होने से पहले खजूरगढ़ हुआ करता था। तो दोस्तों जब यहाँ पे चंदेल वंशज, जो चंदेल वंश का शासन समाप्त हो गया, इसके बाद मुगलों ने आक्रमण किया, लेकिन इन मंदिरों की कोई देखरेख नहीं हुई, किसी कोई केयर किसी भी तरीके का नहीं किया गया। हुआ ये कि यहाँ पे चारों तरफ जितने भी मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी में ऐसा बताया जाता है कि बड़े बड़े खजूर के पेड़ उग गए, बहुत खजूर के पेड़ हो गए, चारों तरफ खजूर के पेड़ हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में खजूर के पेड़ आज भी सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो खजूर के पेड़ जब बहुत ज़्यादा हो गए, तो दोस्तों जब ब्रिटेन की हुकूमत हमारे देश में हुई, जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसी समय से इसका नाम खजूरगढ़ से खजुराहो कर दिया गया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मंदिरों की दीवारों पे कामुक मूर्तियाँ बनाने का मतलब क्या है, कि काम वासना की मूर्तियाँ क्यों बनाई गई हैं। तो मैं आपको इसके बारे में भी समझा देता हूँ। दोस्तों जीवन के चार पहलू होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इन मंदिरों में चारों पहलुओं का वर्णन किया गया है, यानी कि चारों पहलुओं को दर्शाया गया है। कोई भी जीवन में चार पहलुओं से नहीं भाग सकता है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पहलुओं को इन मंदिरों में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ये हमारी सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है कि हर किसी को इन स्टेजों से होके गुजरना होता है। तो दोस्तों लक्ष्मण मंदिर से निकलते ही, बाहर निकलते ही हमारे सामने जो मंदिर था वो बराह का मंदिर था। मतलब लक्ष्मण मंदिर के ठीक सामने थोड़ा सा राइट हैंड पे हटके, ये देखिए आप, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बराह का मंदिर है, और इसके ठीक सामने यानी विष्णु भगवान के बिल्कुल सामने ये जो दिख रहा है, दरवाजे बंद हैं, ये लक्ष्मी माता का मंदिर है। तो अभी हम बराह का मंदिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बराह का मंदिर है, जो विष्णु भगवान के 12 अवतार बराह होते हैं। तो ये देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने दांतों पर पूरी पृथ्वी का भार उठा रखा है। क्या गजब की नक्काशी की गई है भाई, देखते ही बनती, नज़र नहीं हटती है। दोस्तों अगर कभी आपको मौका मिलेगा यहाँ पे आने का, पूरी एक ही शिला में बना हुआ ये बराह है। तो भगवान का जो मंदिर है, इसके ठीक सामने ये लक्ष्मी मंदिर है। तो दोस्तों किसी भी मंदिर में पूजा नहीं होती है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार अगर मंदिर की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, ये देखिए मूर्ति को खंडित किया गया है, सारी मूर्तियां खंडित हैं। तो हिंदू धर्म में अगर मूर्ति मंदिर में खंडित है, तो उस मंदिर में पूजा नहीं की जाती है। ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ना, ये शेर की मूर्ति के साथ एक बालक को लड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। दोस्तों उस समय के जो शिल्पकार थे, जो कारीगर थे, उन्होंने चंदेल वंश के राजाओं के बारे में वर्णन किया है। इसका मतलब ये है, ये दर्शाता है कि चंदेल वंश के राजकुमार इतने यशस्वी थे, इतने ताकतवर थे, इतने शक्तिशाली थे कि वो शेर से लड़ाई किया करते थे। जहाँ तक सवाल है चंदेल वंश की नींव रखने का, तो दोस्तों ऐसी मान्यता है, ऐसी कहावत है कि चंदेल वंश की नींव राजा चंद वर्मन ने रखी थी। और चंद वर्मन का जन्म कैसे हुआ था, दोस्तों कहा जाता है, ये जो आप सरोवर देख रहे हैं हमारे पीछे,
इसमें एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या स्नान कर रही थी। उस समय उस पे नज़र चंद्रमा की पड़ी, यानी कि चंद्र देवता की उस पे नज़र पड़ी और चंद्र देवता ने उस कन्या का कुमार भंग कर दिया। उससे जो संतान की उत्पत्ति हुई उसका ही नाम चंद बर्मन रखा गया और चंद बर्मन ने ही आगे चल के चंदेल वंश की नींव रखी। तो इस तरीके से चंदेल वंश के जो शासक हैं वो अपनी उत्पत्ति चंद्रमा से मानते हैं। दोस्तों चंदेल वंश के शासकों ने छोटे बड़े खूबसूरत 85 मंदिरों का निर्माण खजुराहो में कराया था जब उनका शासन यहाँ पे 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ करता था। तो मंदिर बनवाने के शौकीन थे वहाँ। आज कहते हैं यहाँ पे खजुराहो में 85 मंदिरों में से सिर्फ 22 मंदिर ही सुरक्षित हैं, बाकी के मंदिर या तो प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गए या फिर जो आक्रमणकारी थे उन्होंने नष्ट कर दिए। ये विश्वनाथ मंदिर है, बहुत ही सुंदर कलाकारी का, कारीगरी का ये अद्भुत नमूना है। विश्वनाथ मंदिर में जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे घुसते ही आप देखेंगे, आपको सामने नज़र आ रही होगी भगवान शंकर और पार्वती जी की मूर्ति लगी हुई है प्रवेश द्वार के सबसे ऊपरी। अगल बगल दो हाथी हैं, एक हाथी अभी सही मुद्रा में है, एक हाथी को तोड़ दिया गया है। और अंदर जब आप जाएंगे, इसमें एंटर करेंगे विश्वनाथ मंदिर में, तो भगवान शंकर की पिंडी है गर्भगृह में। ये नंदी भगवान का मंदिर है, ये देखिए आप, ये नंदी बैठे हुए हैं, इनको भी खंडित किया गया है। ये बाहरी दीवारों पे कलाकृति देखिए आप, बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है, बहुत ही अच्छी कारीगरी का नमूना आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों विश्वास नहीं होता है कि आज से बरसों पहले इतनी सुंदर भी कारीगरी हो सकती थी। सारी की सारी हाथ की कारीगरी है, बहुत सारी मूर्तियों को उकेरा गया है, बहुत सारी नायिकाओं को बनाया गया है, अप्सराओं को बनाया गया है, देवी देवताओं को बनाया गया है, हाथी घोड़ों को बनाया गया है। भाई ये जो पत्ती देख रहे हैं आप हमारे, ये कोई साधारण पत्ती नहीं है, ये जमीन से नीचे से लेके और वो मंदिर की चोटी तक गई हुई है। वो मंदिर आपको जो दिख रहा है, मंदिर की चोटी तक, कि मंदिरों को बिजली गिरने से बचाने के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है कि मंदिर ध्वस्त ना हो, मंदिर में कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए ये पत्ती सभी मंदिरों में लगाई गई है। ठीक विश्वनाथ मंदिर के बगल में, यानी कि लेफ्ट हैंड पे, ये पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों भाई यहाँ खजुराहो के मंदिर घूमते घूमते एक भाई साहब हमें मिले हैं। ये भाई साहब किधर से आए हैं भाई साहब? इलाहाबाद से आए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि भाई साहब यहाँ पे क्या देखने खजुराहो, आप क्या देखने आए हैं भाई साहब, बताइए। हम यहाँ पर मंदिर देखने आए हैं जो भारत देश में प्रसिद्ध हैं जी, और चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं जी। यहाँ की कलाकृतियों को देख करके लगता है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की धरोहर कला अभी भी मौजूद है और किस प्रकार से हमें उत्साहित करती है, हमारी संस्कृति विरासत है ये। जी जी। तो भाई साहब देखना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदय भान है। तो खजुराहो आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही उत्साह है हमारे दिल में। मंदिर ये हमारे सामने है, तो अभी हम चलते हैं इसमें, देखते हैं चल के क्या क्या है। फ्रेंड्स ये ठीक सामने वाला जो है ये चित्रगुप्त मंदिर है और ये ठीक उसी शैली पर बना हुआ है, उसी कला शैली पर बना हुआ है जो कि बाकी मंदिर बने हुए हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे आपको दिखाए विश्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, बाकी जो भी मंदिर बने हुए हैं वो कला शैली लगभग लगभग एक ही है।
ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये जगदम्बी मंदिर है, ठीक उसी कला शैली पे बना हुआ है जिसमें कि सारे मंदिर बने हुए हैं, जैसे विश्वनाथ मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया। डिजाइनिंग जो है वो सब में लगभग लगभग एक जैसी है बाहरी दीवारों पे। तो फ्रेंड्स हमारे सामने दो महिलाएं हैं इस समय, ये लोग जबलपुर कटनी से आई हुई हैं। क्या देखने यहाँ पर आई हैं आप? दर्शन करने आए हैं खजुराहो के मंदिर वगैरह जो यहाँ बने हुए हैं। यहाँ की जो मंदिरों की डिजाइनिंग है, जो मंदिरों की कला है, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। इसके अलावा आप ईमानदारी से बताइए, यहाँ के अलावा ऐसी कला आपने कहीं देखी है? नहीं देखी। तो दोस्तों बस यही सच है, यही सच्चाई है कि यहाँ के अलावा, खजुराहो के अलावा और दुनिया में कहीं भी ऐसी कलाकारी नहीं की गई है। जो इन पत्थरों पे जो कलाकारी की गई है ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। तो भाई अब जो मेरे सामने है वो खजुराहो का सबसे विशालतम मंदिर है, यानी कि कंद्रिया महादेव मंदिर। ये जो आप पीछे देख रहे हैं कंद्रा मीन्स गुफा होती है। इसका जो दरवाजा देख रहे हैं आप, जस्ट लाइक अ गुफा, ऐसे आपको लगेगा जब आप प्रवेश करेंगे कि किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। इसका निर्माण ऐसा बताया जाता है कि 1025 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में हुआ। ये सबसे विशाल कंद्रिया महादेव मंदिर है। इसकी जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो ऊंचाई है वो करीबन 31 मीटर की हाइट है। चंदेल राजा, चंदेल शासक विद्याधर द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ये विशालतम मंदिर है और अभी हम चलेंगे इसके अंदर और आपको दिखाएंगे कंद्रिया महादेव मंदिर। महादेव का मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। कंद्रिया महादेव मंदिर का जो प्रवेश द्वार है कुछ इस तरीके से है। मंदिर के में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे कुछ इस तरीके का चंद्रमा की आकार का पत्थर बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जब मंदिर में आप प्रवेश करें तो आपका मन चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए। गर्भगृह में भगवान शंकर की मूर्ति है, भगवान शंकर की पिंडी है। कोई भी सीमेंट का उपयोग मंदिरों में नहीं हुआ है। मंदिरों को जो जोड़ा गया है वो इंटरलॉक सिस्टम के द्वारा ही जोड़ा गया है। तो दोस्तों कमाल की कारीगरी है और कमाल की डिजाइनिंग है। आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए इस दोस्तों खजुराहो एक सुंदर छोटा और बहुत ही शांत शहर है। इसकी जो टोटल आबादी है वो 24,000 के आसपास है, इसलिए जो बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वो बिल्कुल भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जब आएंगे बड़ी शांति आपको मिलेगी। ये बहुत ही छोटा शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है दोस्तों चंदेल वंश के शासकों द्वारा ये बनवाया गया इकलौता ऐसा मंदिर बचा है 85 मंदिरों में से जिसकी मूर्तियां खंडित नहीं हैं और इसमें आज भी पूजा अर्चना होती है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और दर्शन करेंगे। दोस्तों मंदिर के प्रवेश द्वार पे आएंगे तो लिखा हुआ है जय श्री मंदगेश्वर महाराज। तो ये प्रवेश द्वार है और अभी हम अंदर चलेंगे और दर्शन करेंगे। दसवीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया ये इकलौता ऐसा मंदिर बचा है जो कि खंडित नहीं है। दोस्तों इसमें इस मंदिर के अंदर
शंकर भगवान की बहुत बड़ी पिंडी है, यानी कि बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत विशाल शिवलिंग है दोस्तों। अभी मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो के माध्यम से। तो जब भी आप खजुराहो बाकी मंदिर विजिट करने आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। खजुराहो में दोस्तों अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो इस तरीके का मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग करने के अनलिमिटेड ऑप्शन उपलब्ध हैं यहाँ पे। यहाँ पे रुकने के लिए भी कोई परेशानी नहीं है, यहाँ बहुत सारे होटल हैं जिनमें आप रात को स्टे कर सकते हैं। अभी मैंने एक सरोवर दिखाया था दोस्तों, ये देखिए हमारे पीछे दूसरा सरोवर है यानी कि तालाब, बहुत ही खूबसूरत तालाब है। लोगों का ऐसा कहना है कि चंदेल वंश के शासकों को तालाब बहुत प्रिय थे, यानी कि तालाब की खुदाई कराते थे और तालाब बनवाते थे। उसी जमाने का तालाब है ये, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1200 साल पुराना ये तालाब है, बहुत ही खूबसूरत तालाब है। तो ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया ये तालाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से खजुराहो घूमने घुमाने का, सैर करने कराने का सिलसिला यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो में अगर कोई जानकारी मैं ना दे पाया हूँ खजुराहो के बारे में तो मुझे क्षमा करना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको हमारे मिलते रहें। तो दोस्तों इसी सुनहरे सफ़र के साथ समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं, आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे।